हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हरियाली तीज की आप लोगों को खूब सारी बधाई। मैंने भगवान को बिठा दिया है, तैयार करके झूला में झुला दिया है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ सावन तीज को झूला में झुलाया जाता है। और यहाँ पे मैं शाम को मिलूँ सीधा आपको। तो यहाँ पे धनिया पीस रही थी मैं, तो धनिया मेरी खत्म हो रखी थी और छोटे जार में ही पीस ली मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा पीस के नहीं रखती हूँ, थोड़ी सी ही रखती हूँ। और थोड़ी सी गिर गई थी तो उसको समेट के वो कर लूँगी। और भैया को दिया था वीडियो बनाने के लिए, तो देखो कितना हिलाया है उसने, कितना शैतान किया है। बच्चे करते ही है शैतान। सुबह से यहाँ पे मेरी धनिया पिस गई है, और यहाँ पे बोर्ड वगैरह नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से ही पीस लेती हूँ अंदर वाले रूम से। फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में, तो खाना बनाने के लिए तो सब्ज़ी बस बनाई जाएगी, रोटी नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि आज रोटी रखी हुई है। पतिदेव कहीं खाएंगे या फिर वो पता, आजकल कीड़ा आते हैं तो खाना नहीं खाते हैं। शाम के टाइम दूध वगैरह ले लेते हैं और फल ले लेते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि उनको कीड़ों से बहुत ही ज़्यादा घिन लगती है। और ऐसा भी नहीं है कि टाइम से आ जाएं, क्योंकि टाइम से आ नहीं पाते हैं वो, और वो हो जाता है थोड़ा सा, उनको आने में लेट हो जाता है, तो इसलिए फिर नहीं खाते हैं खाना। जिस दिन जल्दी आ जाते हैं उस दिन तो खा लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही खाने की तैयारी कर लूँ, जल्दी ही खाना बना लूँ, लेकिन वो खाते नहीं हैं, तो फिर मैं अपने हिसाब से ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कट कर ली है मैंने, तो आज बनाई जाएगी बड़ी की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आलू बड़ी टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जीरा वगैरह चटक जाएगा, प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे। इसके बाद बाकी का काम, मतलब कि मैं साथ के साथ दूसरा काम भी देखती जाती हूँ, जैसे कि पहले ही बता दिया है मैंने। और बस प्याज वगैरह हो जाएगी तो बड़ी डाल दूँगी। और बड़ी में पता मुझे नाम नहीं आ रहा याद किस चीज़ की बना रही हूँ, उड़द की दाल की, और वो एक कद्दू होता है ना, कौन सा कद्दू, उसकी खट्टा वाला कद्दू होता है, उसकी बड़ी बना रही हूँ। घर से आ गई थी, मम्मी ने लगाई हुई थी, बड़ी हो गई है, प्याज हो गई है, तो मैंने टमाटर डाल दिया है, मसाले डाल दूँगी सूखे, और इसको जो है पक जाने देंगे। पक जाएंगे तो फिर वो करेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्ची, बेसिक से मसाले डालेंगे जो हम रोज़ ही डालते हैं खाने में। और यहाँ पे पता है मेरी कढ़ाई भी बहुत टाइम की हो गई है, तो इतनी साफ़ नहीं होती है, वैसे भी मुझसे कढ़ाई ज़्यादा साफ़ नहीं होती है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने ताकि पक जाए, क्योंकि ऑयल बहुत कम डाला था ना मैंने, इसीलिए। और यहाँ पे बस टमाटर हो चुके हैं, तो मैं बड़ी और बड़ी तो पहले ही डाल दी थी, टमाटर आलू डाल दूँगी, इसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए पका लूँगी, फिर पानी डाल के इसको पका लूँगी और सब्ज़ी बन जाएगी। तो जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, रोटियाँ रखी हुई हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है खाने की, यानी कि मतलब दूसरा कुछ बनाने की। तो बस यहाँ पे पानी जितना हमें वो चाहिए, सब्ज़ी चाहिए ग्रेवी वाली, उतना ही हम डाल देंगे। और सूखी तो मुझे पसंद नहीं है सब्ज़ी। देन मिल रही हूँ अब आप लोगों को नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, बारिश आ गई थी बहुत तेज़, तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए, क्योंकि बारिश आ गई थी तो काफ़ी ज़्यादा सूख भी गए थे कपड़े। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही कपड़े डाल दिए थे, और ये 10-11 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे बारिश भी हो गया था पानी वगैरह, तो मैंने कहा चलो अंदर ही डाल देते हैं। मैंने अंदर वाले रूम में ही रस्सी बांध ली है, बाहर वाले रूम में कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने कहा चलो अंदर के रूम में बांध लेते हैं। सो यहीं पे मैं कपड़े डाल दूँगी फटाफट से। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसीलिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो उस दिन तो बच्चे काफ़ी लेट से आए थे, बारिश हो रही थी ना, इसीलिए। और यहाँ पे मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हो रखा है, बिल्कुल हरी हरी हरियाली तो हो ही गई है, साथ में बारिश होती है तो फिर बादल के साथ में हरियाली बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि आसमान को छू रहे हों बादल, इतनी अच्छी लगती है। और थोड़ा सा हम लोग अपने घर के साइड भी गए हुए थे, तो रेखा के घर से मैंने व्यू बनाया, वो किया था, वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पे रेखा ने थोड़े बहुत फूल भी लगा रखे हैं, पेड़ पौधा, और बगल वाली जो आंटी जी आ गई हैं उन्होंने भी लगा रखे हैं काफ़ी सारे पेड़ पौधे, तो वो ही है, ये देखो कितने अच्छे फूल गए हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे लगाए हैं, मतलब तीन लोगों के घर हैं तो तीनों लोगों ने अपने अपने दरवाजे में पेड़ पौधे लगा रखे, अच्छा भी लगता है, हरियाली होती है तो, है ना। और जैसे कि अभी मेरे घर का काम भी स्टार्ट हो गया है, तो कहाँ तक काम पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो आप लोग पूछ रहे थे, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि घर में शिफ्ट कब तक होंगे, तो घर में शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा रहने लायक हो जाए। और यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़े में शाम के टाइम पे, क्योंकि सारे काम मैं जिस दिन होते हैं उसी दिन वो करके रख देती हूँ, निपटा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर दूसरे दिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, मॉर्निंग में तो इतना टाइम होता नहीं है।
तो जैसे ड्रेस सूखती जाती हैं या फिर जो भी होता है वो सारे काम मैं रात में ही निपटा के रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो जैसे मैं बता ही चुकी हूँ बच्चे बहुत ही जल्द होते हैं, सारे काम मैं रात में मॉर्निंग के मॉर्निंग में फटाफट साथ के साथ करते चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़ों पर प्रेस कर लूँगी, बच्चों की ड्रेस पर करूँगी, मतलब दोनों बच्चों की, पतिदेव अपना खुद कर लेते हैं प्रेस, क्योंकि उनको मेरा किया हुआ पसंद नहीं आता है। एक्चुअली ना उनकी सारी की सारी शर्टें कॉटन की होती हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती हैं प्रेस करना, उनकी में थोड़ा सा भी सिलवट रह जाती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं कि ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, इसीलिए मैं नहीं वो करती हूँ। और बस यहाँ पर मेरा प्रेस हो गया, प्रेस होते होते पता है लाइट चली गई थी मेरी, बीच में मैं करते ही जा रही थी बीच में लाइट भी चली गई थी, तो मैं बता रही थी कि मेरे घर का काम स्टार्ट हो गया है। तो बगल में प्लॉट मिला है और जो हम लोगों ने घर लिया है, पहले तो उन्होंने बोला था कि 2 कमरे किचन लैट पाथ और 1 बरामदा देंगे, लेकिन उन्होंने इतना कुछ दिया नहीं, उन्होंने 2 कमरे और बाहर थोड़ी सी पोज के लिए जगह, अंदर के रूम में ही उन्होंने किचन अटैच कर दिया। तो फिर हम लोगों ने बगल में प्लॉट था तो वो ख़रीद लिया है, उसमें किचन वगैरह बनवाएंगे, तो कितने में कैसे क्या पड़ा है तो मेरे यहाँ के जो लोग हैं उनको तो पता ही है, बाकी का मैं आप लोग अगर पूछेंगे तो मैं शेयर करूँगी, फ़िलहाल तो नहीं करूँगी, नेक्स्ट जब कभी होगा तब करेंगे। तो बगल में जो जगह मिली है वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा काम करवाना है, बोरिंग वगैरह भी हमने वहीं पर करवाई है, तो दिखाएँगे क्या करवा रहे हैं कैसे करवा रहे हैं, क्योंकि मैं जो है उस दिन गई थी तो वीडियो थोड़ा सा शूट करके ले आई हूँ, लेकिन अभी तो आप लोग ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी कि कहाँ कैसे हो रहा है क्या। तो बस जल्दी ही हम लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग नए घर में पहुँच जाएँगे। ऐसे तो फिर काफ़ी टाइम है अभी, मतलब 2-3 महीने तो आप लोग सोच लीजिए कि हाँ 2 महीने हम नहीं जाएँगे, और जैसे ही जाएंगे तो सारा कुछ शेयर करते हैं तो ये भी आपके साथ में शेयर कर ही देंगे। और बस यहाँ पे बातों में मेरा प्रेस हो गया है, बच्चे खेलने गए हैं इस टाइम पे, शाम के टाइम पे बच्चे खेलने चले जाते हैं, अदिति जो है भाभी के यहाँ चली जाती है, यानी कि उनकी छोटी वाली बहन आई हुई है ना, तो उनसे उनकी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई है तो वहाँ पर चली जाती है, और भैया बाहर दरवाजे में खेलने के लिए चला जाता है। इतने देर में मैं अपना सारा काम जो फिनिश कर लेती हूँ, यानी कि शाम के 6-7 बजे के आसपास तो हो जाता है मेरा काम इतना ही है। और आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो है आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा आप लोग, ताकि मैं अपने वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से और वो कर सकूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में कोई भी गलती लगती है या कुछ अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।